हमीरपुर लोकसभा से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान ऊना के देहला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पना सम्मेलन में शिरकत की और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर के साथ श्रीकांत शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र चुनाव प्रभारी विक्रम ठाकुर, ऊना सदर के विधायक व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती समेत अन्य लोग भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि ढोल नगाड़ों के साथ अनुराग सिंह ठाकुर का स्वागत किया गया। जी से कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी की किरकिर भी करवा रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं और देश के सामने बेनकाब हो रहे हैं कि कांग्रेस पुलिस कर्मियों की, हमारे सेना के जवानों की, उनकी शहादत पर भी मजाक उड़ाती है। और संवेदनशील कांग्रेस बिल्कुल नहीं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, कभी डोकलाम पर जो हमारी सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, और कसाब जैसे लोगों को पकड़ने के बाद भी पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं करती, उल्टा इस तरह के बयान देकर कांग्रेस दिखाती है कि तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में वोट बैंक के चलते किस स्तर तक गिर सकती है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव पहले ही हार मान चुकी है और अब कभी ईवीएम पर, कभी इलेक्शन कमीशन पर, तो कभी किसी और पर ठीकरा फोड़ने की काम कर रही है। कांग्रेस को समर्थन हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान से मिल रहा है और ये विदेशी ताकतें जिनकी उम्मीदें कांग्रेस से हैं, वो उम्मीदें कांग्रेस से लगाए बैठे रहें, कांग्रेस को देश की जनता वापस स्वीकार नहीं करेगी। जो हमारी सेना को कमज़ोर करना चाहती है, सेना की ताकत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, और जो लोग 60 साल में देश की जनता को गरीब ही करते रहे, अब वो लोग मोदी जी के सामने, मोदी की गरीब कल्याण की सरकार के सामने बहुत छोटे पाए जाते हैं, क्योंकि जनता ने आशीर्वाद मोदी जी को देने का मन बना लिया। सर, महाराष्ट्र लगता है कुछ लोगों को पढ़ने लिखने की आदत नहीं, कि कांग्रेस में बड़े नेता से लेके बाकी सबका हाल ऐसा ही, 20,000 मकान एक साल में मंजूर अगर किसी ने करवाए तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यहाँ की आपदा के समय कराया, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से लेके बाकी सब, जयराम जी, बाकी सब हम लोग जाके 1,762 करोड़ रुपये अलग मंजूर कराया, मनरेगा की रास्ते से लेके डंगे लगाने तक पैसा हमने दिलाया। कांग्रेस ने तो बंदर बांट करके तरपाल में भी देखा कौन कांग्रेस का कौन भाजपा का, अरे जो पैसा दिलाया वो भी खर्च नहीं कर पाई, अपने तो कांग्रेस ने खर्च कुछ नहीं किया सरकार ने, जो केंद्र से दिलाया था वो भी खर्च नहीं कर पाए। और मैं एक और उनको याद करवाता हूँ, जब कोविड का समय था तब भी मैंने केवल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में पूरे हिमाचल प्रदेश के हर जिले को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, मास्क, सिलेंडर, पीपी किट से लेकर बाकी सब कुछ देने का काम किया। हम आपदा में राजनीति नहीं करते, हम आपदा में मदद करते हैं, और कांग्रेस के लोग नीचे गिरते हैं और जैसे गिरते हैं लोग अब उनको और गिराएंगे। थैंक यू। वर्ग वो खुलकर सामने आए तो बहुत बड़ी घटना है और इससे दिखाते हैं कि कांग्रेस ने कैसे भय, भ्रम, अफवाहें फैलाने का काम किया, डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। आज कांग्रेस को अपनी हार दिख रही है तो डीप फेक का इस्तेमाल कर रही है, वो अफवाहें फैलाने का काम कर रही है, मोदी जी को बदनाम करने का काम कर रही है। सच्चाई ये है, मोदी जी लोगों के दिलों में बसते हैं और जो राम को लाए